गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन कंप्यूटर क्लास। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट माई सेल्फ रवि कुमार फ्रॉम सुव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी, एंड टुडे इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में यानी जगहों पर कंप्यूटर का अलग अलग वर्क है, काम है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रयोग इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग स्थानों में। तो सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट फील्ड इज एट होम, एट होम, घरों के अंदर। एट होम मीन्स इन आवर हाउस। नंबर फर्स्ट इज फॉर फ्लाइंग गेम्स, नंबर सेकेंड is for listening music, number third is for number third watching movies, and number four is for uses of computer in different fields. First field is our at home. Number first, playing games. Second, listening music. Third, watching movies. And fourth, helps in doing homework. यानी घरों के अंदर कंप्यूटर का क्या काम होगा? अगर हमारे घर में कंप्यूटर होगा तो क्या करेंगे? We will play games. We are going to use our computer to playing games. Second, listening music. We are also able to listen the music. हम घरों में music भी सुन सकते हैं. Third, watching movies. We can also watch the movies. Means, हम cinema भी देख सकते हैं. Number fourth, helps in doing homework. We can also do some our homework with the help of computer. कंप्यूटर की मदद से हम अपने घरों में होमवर्क भी कर सकते हैं। सो वंस अगेन वी विल रिपीट, यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। फर्स्ट फील्ड इज एट होम, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, हेल्प्स इन डूइंग होमवर्क। HELPS, हेल्प्स, हेल्प्स में मदद करना, इन डूइंग होमवर्क। डूइंग मीन्स DOING, doing means करना। So playing games, listening music, watching movies and helps in doing homework. Am I right? Now you can note down. नेक्स्ट वन इज
एट ऑफिसेस, एट ऑफिसेस व्हाट टाइप ऑफ वर्क वी आर गोइंग टू डू इन ऑफिस? ऑफिस में कंप्यूटर का क्या ही प्रयोग होगा? लेट्स बिगिन. टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर्स, स्टोरिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, स्टोरिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस. Sending emails, etc. We can also write here the fourth point in office. Check some results. We can also check some results at offices. Typing and printing letters. Typing, we can type, and printing letters, we can type the letters. Letters means sandesh, yani chitthi. तो हम अपने ऑफिस में किसी भी लेटर को टाइप कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. स्टोरिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं हम अपने ऑफिस में रखते हैं. सेंडिंग ईमेल्स एक्सेट्रा, मेल्स भी भेज सकते हैं. चेक सम रिजल्ट्स, रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं. नो डाउन. एट हॉस्पिटल्स टू कीप द डिटेल्स ऑफ पेशेंट्स. Hospitals. New our field is hospitals. In this field, we will write helps to keep the records of patient. Helps to keep the records of patients. Okay, second point. Helps to know more about helps to know doctors more about diseases and their causes. Number third, we can write in this
और भी इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर क्लास सेकेंड वी हैव टू राइट ओनली 3 पॉइंट्स. हेल्प्स टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट और डिटेल्स ऑफ पेशेंट. यानी किसी भी पेशेंट का मतलब क्या होता है? मरीज. मरीज जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, उन पेशेंट्स की. इट मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट. हॉस्पिटल्स हैव टू कीप द रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की मदद से उन पेशेंट्स का डिटेल्स, रिकॉर्ड्स जो भी होगा उनको हमको रखना होगा. सेकेंड पॉइंट, हेल्प टू नो डॉक्टर्स मोर अबाउट डिजीजेस एंड कॉजेज. डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों की जानकारी मिलेगी और उन बीमारियों की जानकारी भी मिलेगी. सेकेंड, हेल्प्स टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स. हेल्प्स टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. इट मीन्स कंप्यूटर की मदद से डॉक्टर्स को मदद मिल जाएगी मेडिकल रिपोर्ट बनाने में. इट मीन्स पेशेंट आज फिट हो गया, एकदम मस्त हो गया, तो उन पेशेंट्स की रिपोर्ट्स बनाने में पूरी हेल्प मिलेगी. एट हॉस्पिटल्स हेल्प टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट. सेकेंड, हेल्प टू नो डॉक्टर्स मोर अबाउट डिजीजेस एंड कॉजेज. एंड थर्ड, हेल्प टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स. नोट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इन स्कूल्स. व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन स्कूल्स. यानी कंप्यूटर का प्रयोग हम स्कूल्स में क्यों करते हैं. व्हाट इज द यूज. योर फर्स्ट पॉइंट शुड बी used in a library for keeping records of books. Used in a library for keeping the records keeping the records of books. Second, details of teachers and students. Third point, making timetable Fourth point, preparing results. Used in a library for keeping the records of books. It means you are the student of some school, and in that school there is a big academic library. So computer is used
आपके लाइब्रेरी में जितनी बुक्स होंगी उन बुक्स की जानकारी, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बुक्स वी आर गोइंग टू कीप द फोल्डर वाइज द इंफॉर्मेशंस इन टू द कंप्यूटर. वी आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन, वी आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग फोल्डर वाइज और सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में हम लोग अपने लाइब्रेरी की जितनी बुक्स होंगी उन सभी बुक्स की जानकारी हम लोग अपने कंप्यूटर में रखेंगे, ताकि हमसे कोई पूछे भविष्य में तो हम उसका जवाब तुरंत दे सके. सेकेंड पॉइंट, डिटेल्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. किसी भी स्टूडेंट और किसी भी टीचर की डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल स्कूल आर गिविंग द एन आइडेंटिटी कार्ड फॉर ईच टीचर एंड स्टूडेंट. आपके पास भी होगा आई कार्ड, जो आई कार्ड आप लगाते हैं गले में, तो ऐसे ही आई कार्ड टीचर्स के पास भी होता है, स्टूडेंट्स के पास भी होता है. कंप्यूटर में भी इंफॉर्मेशन रखा जाता है कि हमारे स्कूल के टीचर हैं, हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं. इट मीन्स डिटेल्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर ही शी इज कमिंग. टीचर्स और स्टूडेंट किस किस जगह से आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो ये सारी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है. सेकेंड, थर्ड पॉइंट, मेकिंग टाइम टेबल. मेकिंग टाइम टेबल, आपके टाइम टेबल भी कंप्यूटर से ही बनता है. टाइम टेबल यानी सब्जेक्ट का टाइम टेबल, कौन सा सब्जेक्ट किस समय चलेगा, कौन सा पीरियड होगा उसका. लास्ट पॉइंट, प्रिपेयरिंग रिजल्ट्स. वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस. अलग अलग क्लास का अलग अलग टाइम टेबल है, क्योंकि हमको प्रिपेयर करना होगा. तो इन दिस टूडेज क्लास वी हैव लर्न अबाउट यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स एट फोर फील्ड्स. नंबर फर्स्ट, एट होम, एट हॉस्पिटल, एट ऑफिसेस, एट होम, एट ऑफिसेस, एट हॉस्पिटल्स, एट स्कूल्स. Schools. These four points we have discussed in today's class about the usage of computer in different fields, at home, at hospital, at offices, and in schools. Dear students of class 2, you know very well about the usage of computer at home for playing games, watching movies, doing homework, listening music, and in hospitals, keeping the records of patient, to know more about doctors, about disease and cause of the disease, and offices, making the medical report in this, and at offices, we can printing and typing the letters, keeping the results, and in schools we are taking the details of teachers and students, keeping the records of books in the library, making timetable, preparing exam results. So प्यारे बच्चों, आप ये होम यानी घर, अस्पताल, और ये ऑफिस यानी हिंदी में दफ्तर, और ये विद्यालय पाठशाला,
इन चारों चीजों में कंप्यूटर का अलग अलग वर्क होता है, काम है। इनको लर्न विद द गुड स्पेलिंग्स, लर्न विद द गुड स्पेलिंग्स, दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू लर्न एंड राइट विद अ वेरी गुड स्पेलिंग इन योर नोटबुक। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द नोटबुक्स, फॉरवर्ड दोज होमवर्क इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।